ये जो इन दो परिवारों की दुश्मनी है, वर्षों पहले तुम्हारे दादाजी के जमाने से ही शुरू हुई थी बेटा। इनमें से जो भी कोई एक जीत के करीब पहुंचता है तो दूसरी तरफ चिता जलती है। पता है पहले वाले को तो हॉस्पिटल में और दूसरे वाले को हमारे सामने बेरहमी से मारने वाला तुम्हारे पिता का दुश्मन है, वो किसी को नहीं छोड़ने वाला। हाँ, चिता को देखकर हम डरने वालों में से नहीं है, वही डर कमजोरी की निशानी है। उसकी फैमिली का खात्मा कैसे करता हूँ देखो। तुम क्या कर लोगे, तुमसे कहीं ज्यादा बहादुरों को वो मौत के घाट उतार चुका है, मौत का सौदागर है वो। तुम्हारे दादाजी को अपने बचपन में ही मौत के घाट उतार चुका है, उसका आज तक कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। उसका इतिहास इतना खौफनाक है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। राजनीति में अपनी पावर बढ़ाने के लिए तुम्हारे पिताजी ने बहुत कोशिश की, अपनी पूरी ताकत लगाकर वो अपने भाई को एमएलए बनाना चाहते थे। ये बात सच है कि मैं आपके सपोर्ट से ही एमएलए का सीट जीत पाया था, लेकिन आपके भाई लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है ना सर। इस बार अपनी कोशिश से मैं सिर्फ 4 टिकट ही कंफर्म कर पाया और टिकट नहीं मिल पाई। कुछ एमएलए हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं सर, आखिरी वक्त में हमारे पीठ में छुरा घोंपा है। आप सब चाय पीजिए। बचपन से यही सुनता आ रहा हूं। सेम प्रॉब्लम, टिकट के लिए मेरे पिताजी ने करोड़ों रुपए खर्च किए। सब लोग मतलब की बातें करते हैं, इस बार भी वही प्रॉब्लम आ गई है पापा। लगता है हमारा पैसा वेस्ट जाएगा, वसूल लूंगा, दोबारा फिर कोशिश करूंगा। मैंने हार मानना नहीं सीखा है, पता है मैं क्या करूंगा। अपना मतलब निकालने के लिए तुम जैसे कमीने लोग हमारा इस्तेमाल करते हैं। सिट डाउन। अब अगर दूसरी लाश नहीं देखना चाहते हो तो मेरा काम करो। सर, हम एमएलए को समझाएंगे सर, आपका काम पूरा करेंगे सर। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा। इन्हें जाने दो भाई, देखते हैं ये क्या कर सकते हैं, कौन कितने पानी में है पता चल जाएगा। मौत का तांडव देखना है तो बताओ या मेरे भाई को जिताओ। रुकिए रुकिए बेटा, इंसान सूखी रोटी खाकर भी किसी तरह जी लेता है, औरों की भलाई करने वाला ही सच्चा इंसान कहलाता है। अपने स्वार्थ के लिए कोई रंग बदल ले वो गलत इंसान होता है। याद रखना, जो खुद तकलीफ झेलता है वही दूसरों की तकलीफ को समझ पाता है, और यही कारण है कि ये सारे लोग मुझे अपना मानते हैं और मुझे यहाँ तक पहुँचाए हैं। मैं यूं ही नहीं इन लोगों का हमदर्द बना हूँ, इन पर कोई जुल्म नहीं होना चाहिए बेटा। हाँ, जय काली माँ। हम लोग संभालेंगे, चल भाग।
कौन है बे तू? अब खुशी की धुन बजाओ। इसने जो भी किया वो गलत है, इसे हमारी कस्टडी में दे दीजिए। इसी को नहीं दूंगा। प्लीज सर, सर 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 मेरी बात सुनिए सर, प्लीज सर। मुझे टच करता है वे। फ्लूट चूहों के आगे बजाना, शेर के आगे नहीं। समझता क्या है, लोग तुझसे डरते हैं क्या? हाँ डरते हैं, मेरी बादशाही ताकत से। हिम्मत है तो तू मेरा सामना करके दिखा। बादशाहत तो तुझे रिश्वत देकर भीख में मिली है, वो तो तेरे ब्लड में है ही नहीं ब्लडी फूल। राजा महाराजा पैदा हुए हमारे खानदान से, और तुझ जैसे लोग हमारे यहाँ झूठे बर्तन धोते थे। तेरी जबान तेरे हद से ज्यादा बढ़ती जा रही है। मेरी सनक अगर हद से आगे बढ़ गई ना। तुझ में सनक कभी कभार होती है,
लेकिन मेरे अंदर 2400 घंटे रहती है। तू अपनी लिमिट से 1 इंच भी आगे बढ़ा तो यही गड़ जाएगा, फिर मुझे कोई नहीं रोक पाएगा। तेरी कीचड़ भपकी से मैं डरने वाला नहीं हूँ। भाई तू अकेला आया होता तो माफ कर देता, बेहतर ही इसी में है कि तू अकेला आए। जिंदगी हमेशा मौत से डरती है, तू भी डर। नहीं तो क्या करेगा, मुझे मार डालेगा। जो मैंने कहा है वो करने में एक पल भी जाया नहीं करूंगा, यही जिंदा गाड़ दूंगा। प्लीज सर, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज सर शांत हो जाइए। सर सर, एसपी साहब, ये मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है, सिस्टम की रिस्पेक्ट कर रहा हूँ इसलिए अब तक शांत हूँ। आप इसे ले जाते हैं कि इसकी कहानी खत्म करो। सर सर सर, मैं बात कर रहा हूँ। सर प्लीज, आपके खिलाफ सबूत मिले हैं सर, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। कमीने, मेरे जेल से लौटते ही तेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। तेरे गला फाड़ने से मैं डर जाऊंगा, यह गलतफहमी मत रहे। शूटर हूँ, खोपड़ी खोल के रख दूंगा तेरी। डोंट चैलेंज मी, ज्यादा भौंक मत।